हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एडिट्स में। तो गाइज आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल एस एडिट्स। तो गाइज आज की वीडियो में हम एडिटिंग तो करेंगे नहीं, मगर आपको एडिटिंग से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया बात बताएंगे। एंड आपने तो दानिश जियान का तो नाम सुना ही होगा, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, मतलब पॉपुलर थे, अब नहीं रहे। तो गाइज उनकी हेयर स्टाइल जो थी ना, वो काफ़ी पॉपुलर थी, जिसकी डिमांड बहुत थी। एंड मैं उसी हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। तो गाइज़ अगर वीडियो इंटरेस्टिंग हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं किसी का छोटा भाई या बड़ा भाई हूँ। अगर छोटा भाई हूँ तो छोटा भाई समझ के सब्सक्राइब कर देना, बड़ा भाई हूँ तो बड़ा भाई समझ के सब्सक्राइब कर देना, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइज अब चलते हैं अपने। गाइज आपको उसमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऑटोडेस्क स्केचबुक। तो गाइज़ वो आसानी से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, वो अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना। तो गाइज़ आपको क्या करना है, सिंपली से ओपन कर लेना है। एंड गाइज ये रोटेट नहीं होने की है, तो मैं इसलिए बिना रोटेट हुए भी बना देता हूँ। तो गाइज़ आपको क्या करना है, गाइज़ आपको एक इमेज इंपोर्ट करना है। यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे एक प्रकार सा बना हुआ है, मैं बार बार टैप कर रहा हूँ, आपको उस पर दबा देना है सेकंड वाले ऑप्शन पर। एंड यहाँ पर आएगा एम्पोर्ट इमेज, आपको यहाँ पे आना है। एंड गाइज अब आपको क्या करना है, आपको अपनी गैलरी में आ जाना है। गैलरी में से मैं कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। गाइज मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ गैलरी में, मैंने यहाँ से ओके कर देता हूँ। और गाइज अब गाइज आपको क्या करना है, गाइज अभी पहले आपको यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन है ब्रश का, ब्रश में आना है थर्ड वाले ऑप्शन में, जिस पर मैं बार बार टैप कर रहा हूँ। ओके गाइज सॉरी, आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड आपको अब आना है यहाँ पे स्मज का ऑप्शन है गाइज, ये स्मज का एंड ग्लो के नीचे स्मज आएगा, आपको उस एप्लीकेशन पे मतलब उस टूल पे आना है। एंड आपको चूज करना है गाइज ये फिफ्थ वाला जो है, आपको इसे चूज़ कर लेना है फिफ्थ वाले ब्रश को। एंड इसकी सेटिंग वेटिंग आप सही रखना है ना, मैंने एकदम बिल्कुल बढ़िया सेटिंग रख रखी है, 7.1 साइज, फ्लो 9%, स्ट्रेंथ 7%। तो गाइज़ आपको अभी क्या करना है, गाइज इनके थोड़े से बाल लंबे करने पड़ेंगे गाइज, इसलिए क्योंकि वो वाला हेयर स्टाइल सिर्फ लंबे वालों पे ही आता है। एंड गाइज हम यहाँ से बाल यहाँ से इनके बड़े कर देते हैं थोड़े से। तो गाइज़ आप यहाँ से कोई सा भी अपने बालों को कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ से ले लेता हूँ ऊपर की तरफ, गाइज मैं ऊपर की तरफ बाल मतलब बढ़िया आएंगे, तो गाइज मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ थोड़ा सा। गाइज मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, तो गाइज यहाँ से ऊपर को हो गए। यहाँ से आप थोड़ा सा अंदर की तरफ को दबा देना, यहाँ से आपको थोड़ा सा और ब्रश मार लेना है। गाइस अब गाइस यहाँ तक तो हमारा मतलब पूरा हो चुका है। और गाइस अब आपको क्या करना है, गाइस अब आपको इसी थर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड लाइब्रेरी में जाकर आपको मतलब जो फिफ्थ पांचवे नंबर पे जो ब्रश आते हैं ना गाइज, सिंथेटिक पेंट, आपको सिंथेटिक पेंट पर आना है। एंड उसमें आपको चूज़ करना है ये मतलब फर्स्ट लाइन जो है राइट साइड लेफ्ट साइड वाली फर्स्ट लाइन को, अब मैं आपको तीसरा ब्रश चूज़ करना है। तो गाइज मैंने इस ब्रश को चूज़ कर लिया है, चूज़ कर लिया है यहीं पर। और गाइज आप आपको इसकी सेटिंग में जाना है, तो गाइज इसकी सेटिंग सही हो रही है। एंड अब आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे जाना है, एंड कलर को आपको वाइट कर देना है। तो गाइज कहीं से भी हो जाएगा वाइट, आप कर सकते हैं। गाइज नया से ओके कर दे रहा हूँ। और गाइज आपको धीरे धीरे क्या करना है, गाइज इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ कर देना है, ऊपर की तरफ को आपको फेर देना है, जिससे गाइज जो दानिश जहान के वाइट वाइट हेयर थे ना,
गाइज वो बहुत ही पॉपुलर थे, तो आज हम उसी का ट्यूटोरियल बना रहे हैं। तो गाइज इसलिए दानिश जेहान भाई के लिए आप एक लाइक तो कर देंगे हमारी वीडियो में, दानिश जेहान भाई के लिए एक लाइक तो आप कर ही देंगे, मुझे पता है ज़रूर कर देंगे। तो गाइज आप सब देख सकते हैं गाइज यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लुक आ रही है उनकी। तो गाइज आप सोच रहे होंगे मैंने नीचे थोड़े से ब्लैक बाल क्यों छोड़े, तो गाइज मैं उसका भी रीज़न बताऊंगा आपको। तो गाइज अब चलते हैं अपने आगे स्टेप पे। तो गाइज आपको क्या करना, कुछ नहीं करना आप, एंड अब आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर को और कर देना है जिससे कि आपके हेयर ज़्यादा लंबे लगें, क्योंकि आपके हेयर पीछे को नहीं होने के ना, आप पिक में हो मतलब रियल में आपने पीछे तो नहीं कर रखे। तो गाइज अब आपको क्या करना है गाइज, अब आपको आ जाना है स्मज वाले ऑप्शन के अंदर। गाइज यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करना है, लाइब्रेरी में आना है, एंड गाइज आपको आना है स्मज वाले में जिसमें हमने पहले करा था। तो आपको अब ब्रश लेना है गाइज, आपको लेना है ये 7th वाला ब्रश लेना है आपको, एंड इसकी सेटिंग भी आप सही कर लेना अपने हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से कर रखी है। एंड गाइज आपको क्या करना है, जूम करके मतलब नीचे की तरफ को आपको जो वाइट वाइट हमने छोड़ा था ना उससे आपको ऊपर की तरफ को कर देना है, मतलब जो ब्लैक ब्लैक हेयर छोड़े थे उसे आपको ऊपर की तरफ कर देना है। इससे क्या होगा गाइज हमारे हेयर रियल लगेंगे, जो कि उनके भी दानिश जान भाई के भी थोड़े नीचे नीचे से थोड़े से ब्लैक थे। तो गाइज हम कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो गाइज देखिए हमारी पिक्चर में रियल लुक आ रहा है। तो यहाँ से भी आपको ब्लैक ले लेना है, ऊपर को कर देना है ब्लैक। एंड आपको ब्रश में जाना है, एंड वही वाले ब्रश में जाना है जिससे हमने अभी इसमें वाइट वाइट किया था उसमें यहाँ जाना है आपको। और गाइज यहाँ पे आपको दोबारा फेर देना है। सॉरी गाइज ये थोड़ा सा इधर हो गया। और यहाँ पे भी आपको फेर देना है क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो गया था। और बस गाइज आपको ज़्यादा नहीं करना गाइज, बस आपको इतना ही रहने देना है। एंड अब क्या करना है आपको, आपको दोबारा इसी में तो रहेंगे आप, इसे दोबारा से इधर से ऊपर कर देना। तो गाइज हमारे रियल हेयर रियल लगेंगे एकदम। तो गाइज हमारे मतलब हेयर बन चुके हैं दानिश जेहान भाई जैसे। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, और मतलब बेल आइकन दबो जरूर दबा लेना जिससे कि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस इसलिए आप दानिश जेहान नहीं रहे थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था 20 दिसंबर, वो उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो गाइस उन्हीं के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि मैंने उन्हीं की हेयर स्टाइल पर वीडियो बनाई है। तो गाइस चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।